दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नॉलेज फॉर द क्रिएटिव स्कूल, एडमिशन आर ओपन। आज तमाम काउंसलर म्युनिसिपैलिटी के लेबर ऑफिस को है, लेबर ऑफिस में आकर ये इन्फॉर्मेशन लिए कि यहाँ पर लेबर ऑफिसर कितने दिन से नहीं आ रहे, जबकि मैं अकेला जो है यहाँ पर 15 दिन से आकर जा रहा हूँ, लेबर ऑफिसर ऑफिस में मौजूद नहीं है। और यहाँ पर जो क्लर्क हैं उनको पूछे तो ऑफिसर हमारे लीव डालकर जो है आराम पे है, उनकी तबीयत खराब है ऐसा बता रही, जबकि इंचार्ज जो है हुन्नाबाद में रहते हैं, 8 दिन में एक मरतबा बसो कल्याण आते हैं। तो हुकूमत के जानिब से कोविड-19 रियासत कर्नाटक के मजदूर और दीगर मजदूर की फ्लाई बोट की एक स्कीम है, जो कोविड-19 स्पेशल जो है हुकूमत कर्नाटक स्कॉलरशिप के तौर पर जो है डिक्लेयर करी है, जिसमें जो लोग लेबर कार्ड रखते हैं उनके बच्चों को हुकूमत के तरफ से स्कॉलरशिप जो है वो स्कॉलरशिप सिर्फ लेबर कार्ड रखने वाले लोगों के बच्चों को है। जैसे संगठित लेबर होते हैं, संगठित लेबर जो संगठना के साथ जुड़े हुए रहते हैं वो लेबर, और असंगठित लेबर जो है जो फुटपाथ पर ठहर कर अपने जो है मजदूरी का इंतजार कर कर काम को जाते हैं वैसे लेबर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज और संगठित असंगठित, ये दो टाइप के लेबर होते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज संगठित लेबर हैं, जैसे हमारे जो है किलावा यूनियन में है, RCC यूनियन में है, वहां पर जो है उनकी एक संगठना है, वो संगठना के स्टाफ पर लेबर कार्ड बनता है, और जो संगठना से जुड़े हुआ लेबर नहीं है उसका कार्ड बनाने के लिए ये लोग यहाँ पर मजदूरों को एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल फिरा रहे, उनका कार्ड नहीं बना रहे, जबकि लेबर कार्ड जो है जल्द से जल्द बनाकर लेबरों के हवाले करने के बाद गवर्नमेंट की कई ऐसी स्कीम है जो लेबरों तक पहुंचते हैं। सिर्फ ये ऑफिसरों की लापरवाही और ऑफिसरों की जो है अनदेखी से जो है कई लेबर हैं जिसको उनका हक नहीं मिल रहा। उनका हक ये है कि हुकूमत उनके लिए जो चीज तय कर रही है उन तक पहुंचना, और ये उन तक पहुंचाने का काम लेबर ऑफिसर का है। जो ये हुकूमत की स्कीम है, आज तक लेबर ऑफिसर जो है लोगों में जागृति नहीं लाए, और इसका काम जो है ये MIC है, MIC माइनॉरिटी इंफॉर्मेशन सेल, जो हमारा माइनॉरिटी ऑफिस है जो हमारे शिवाजी गार्डन के बाजू में है, बस तालुका पंचायत में है, अभी इसके पहले वहां था, तालुका पंचायत में माइनॉरिटी ऑफिस है। तो लोग जो है अपना लेबर कार्ड लेकर अपना राशन कार्ड आधार कार्ड अपने बच्चों की स्कूल की जो है TC मास्क कार्ड लेकर माइनॉरिटी ऑफिस में जाकर भी इसको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, और भी दूसरे जो है ऑनलाइन काम करने वाले उन लोगों का भी फिलअप कर सकते हैं, और अपने बच्चों का जो है जो TC और मास्क कार्ड है इसमें क्लास के हिसाब से जो है बच्चों को स्कॉलरशिप, 1st से 4th तक 3,000 रुपये है, और जो है 5th से 8th तक 5,000 रुपये, 9th-10th के बच्चों को 10,000 रुपये, IT को 12,000 रुपये, डिग्री को 15,000 रुपये, और ऐसा इंजीनियरिंग को 25,000 रुपये, और डिप्लोमा को 15,000 रुपये, MTech को 30,000 रुपये, MD हेल्थ को जो है 45,000 रुपये, ऐसे जो है गवर्नमेंट की जो है स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए तमाम लेबर कार्ड रखने वाले लोग अपना जो भी रोजी है, एक दिन की रोजी, एक दिन का काम छोड़कर अपने बच्चों की जो है स्कॉलरशिप माइनॉरिटी ऑफिस में जाकर फिलअप करो, या ऑनलाइन काम करने वालों के जाकर फिलअप करो, ये हमारी लेबर कार्ड रखने वालों से रिक्वेस्ट है, और हमारी बसो कल्याण MLA से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो है यहाँ पर लेबर ऑफिस में लेबर ऑफिसर को बिठाकर 24 घंटे के अंदर लेबर कार्ड इश्यू कराकर जो असंगठित लेबर है उनका लेबर कार्ड बनाकर जो है वो लोगों को इस स्कॉलरशिप का हकदार बनाए। ये जिम्मेदारी हमारे बसो कल्याण के MLA शनू सलगर जी की है, वो लेबर ऑफिस को आकर यहाँ का मुआयना करें, यहाँ का जायजा लें, और यहाँ बैठकर जो असंगठित लेबर हैं, जो संगठना से जुड़े हुए नहीं, जो फुटपाथ पर ठहर कर अपनी रोजी को जाते हैं, जो होटलों में काम करते हैं या और जो है दूसरे लेबर काम करते हैं, ऐसे लोगों का लेबर कार्ड बनाकर ऐसे लोगों को ये गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा पहुंचाना, ये यहाँ के MLA की जिम्मेदारी है, और हम हमारे बसो कल्याण के MLA से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ बैठकर लेबर ऑफिस में बैठकर गरीब लोगों का लेबर कार्ड 24 घंटे के अंदर इश्यू कराकर उनको ये स्कॉलरशिप का फायदा पहुंचाए। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नॉलेज फॉर द क्रिएटिव स्कूल, एडमिशन आर ओपन।